कृष्णा, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड आज है संडे एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड सुबह जी पोहा, सो सभी का पोहा खाने का बहुत मन था, तो मैंने सोचा पोहा को मैं खूब सारी सब्जियों के साथ में बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं। सो फ्रेंड मैंने ये सब कटिंग करके रख लिए हैं। इसमें मैंने एक छोटा प्याज लिया है, साइड में थोड़ी सी शिमला मिर्च है, गाजर और ये एक छोटा सा मतलब आलू को मैंने छोटे छोटे से टुकड़े में कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने लिया इसमें फूलगोभी, एक टमाटर, हरी मिर्ची, और मैं इसमें मूंगफली नहीं डालूंगी क्योंकि इसकी जगह मैं डाल ली हूँ इसमें हरी मटर। तो क्योंकि सर्दी है और मटर इतनी अच्छी चल रही है ना, सच में इतनी अच्छी लगती है इन दिनों की जो मटर होती है, तो उसमें हम स्किप कर देंगे। अलग से हमारे पास मूंगफली है भी और जिनका मन होगा तो वो डाल लेंगे इसमें। सो फ्रेंड चलो बनाते हैं पोहा, आप सब भी हमारी इस वीडियो के साथ बने रहें, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, और प्लीज़ जो नए मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यस, ये लिया है मैंने पोहा, पोहा मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, पोहा चिवड़ा लिया अच्छे से बहुत सब्जी। तो यस ग्राई रख दी है, और इसमें डाल लेते हैं हम राइस ब्रैन ऑयल, थोड़ा ज्यादा डाल देंगे क्योंकि सब्जियां हैं काफी अच्छे से फ्राई होंगी वो। और गर्म हो गया हमारा, यहाँ पे लिए मैंने थोड़ी सी हींग, एक पिंच हींग डाल देंगे, और फ्रेंड इसमें डालेंगे हम राई, कि ये पोहा में बहुत अच्छी लगती है, राही 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 राई राही नहीं राई, राही। और अब डालेंगे इसमें प्याज, राई को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा ब्राउन हो तभी भी है, प्याज को थोड़ा जलाएंगे। सही से दिखाई दे रहा है ना? यस गाइस, तो हो गई हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन, बहुत ज्यादा नहीं मुझे इसे जलाना है। इसमें डालेंगे हम टमाटर, तो हम बाद में डालेंगे, गोभी को भी बाद में डालेंगे क्योंकि इसमें निकलता है थोड़ा सा पानी, तो पानी वाली चीज़ों को बाद में डालेंगे। गाजर को भी फ्राई कर लेते हैं, और साथ में डाल देते हैं शिमला मिर्च, आलू, प्याज को थोड़ा सा हाई रखेंगे ताकि जल्दी जल्दी से भून जाए सभी चीज़ें। मेरी तो एक मिक्स वेज भी बन जाएगी लगभग मेरी, है ना? और डालेंगे इसमें हम गोभी के फूल कटे हुए, ओ मुझे मिर्ची की एक कटी हुई मिर्च ना पहले डालनी थी, मैं डाल देती हूँ कोई बात नहीं, थोड़ी भुनी मिर्ची रखी है। और आप डालेंगे हम मटर, ढेर सारी मटर, टमाटर, और सबके ऊपर डाल देते हैं नमक ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए सारी चीज़ें। सब्जी के अंदर नमक बहुत ज़रूरी है भाई। थोड़ी सी रही है काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा कम ही लूँगी, सब्जी जैसा टेस्ट आ जाएगा नहीं तो। और हल्दी आपकी मर्जी है, हल्दी है तो थोड़ा डाल देते हैं, येलो पोहा अच्छा लगता है कलर दिखने में, तो कमी। और
थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, मिक्स कर देंगे और हम पका लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। तो सब्जी तो हमारी लगभग ये सब्जी हो गई है, हाँ सब्जी है ये, एक तरह से मिक्स वेज हो गई है ये, तो हो ही गई है ये। अच्छा टेस्ट आने के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच मक्खन, तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब मैं इसमें डालेंगे अपना पोहा जो कि वॉश करके रख लिया था अच्छे से, खुली हाँ खुला खुला है ये, गला तो इतना ख़राब रहता है ना सर्दी में, गर्म पानी बस पीते रहो बीच में सारा दिन थोड़ा थोड़ा गर्म पानी चलता रहता। और फ्रेंड पोहा मैंने सब्जी में भी नमक मिलाया था और थोड़ा नमक मिलाऊंगी मैं पोहा के साथ, तो पोहा में नमक थोड़ा सा नहा के आए हो क्या? सो फ्रेंड पोहा को और यम्मी से यम्मी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ मैगी मसाला, बहुत थोड़ा सा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके अंदर सब्जियाँ काफ़ी सारी हो गई हैं, उसी से टेस्ट तो इसका लाजवाब हो गया है। और कुछ लोग ना पोहा में चीनी भी, चीनी के कुछ दाने भी, मतलब खट्टा मीठा अगर खाना चाहें तो नींबू खट्टा मीठा भी ना खा सकते हैं, पर हमारे यहाँ पे तो मीठा नहीं पसंद करते हैं। सो हो गया रेडी है, इसमें चाट मसाला भी डालेंगे, बना लेते हैं हम अब चाय। हमारा पोहा हो गया रेडी, तो निकाल लेते हैं थोड़ा पोहा। और डालेंगे इसमें सॉस, पोहा के अंदर सॉस बहुत अच्छी लगती है भाई। यस फ्रेंड हो गया है पोहा रेडी, तो ये सब आपके लिए गर्मा गर्म पोहा। तो फ्रेंड आ गया है पोहा, पोहा तो बताएंगे खा के कैसा लगा है, खाइए। बहुत जोर से लगाया अभी देखने में तो। अरे कैमरा तो सीधा करो, ये देखिए ओम मन पते नशनो देहि अनमो शेष स्मणा सह पुडारम तारी शोर जाने से और जम दीपदे चतुष्पदे। तो वीडियो का एंड करते हैं, कुछ कुछ लग रहा है मेरे जैसा जैसा मैं बनाता हूँ कुछ कुछ। तो चलिए फ्रेंड पोहा तो उनको अच्छा लग गया है, वीडियो अच्छी लगी और पोहा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना प्लीज। सो मिलते हैं एक अच्छी सी डिश, सबको बहुत सारा पोहा दे। सो बाय फ्रेंड। हाय गाइस, तो हम हो गए रेडी, अभी ये पोहा दिखाया था आपको। तो शिवांश को भी मिलने का मन था आपसे, तो अभी हम ना बाहर कहीं जा रहे हैं घूमी घूमी करने, सरप्राइज है एक, आपको अभी नहीं बताऊंगी, कभी फिर कभी शेयर करूंगी आपको। तो देखो उसको भी देख लीजिए। तो हम जा ही रहे थे, अभी सब लोग बाहर जा रहे हैं पोहा खा के रेडी होके। सो मैं ओ बाय, अभी देखो लगे रहते हैं अपनी छोटी चेयर पर बैठ के बाबू जी।